दोस्तों एयरपोर्ट्स पर आए दिन कुछ ना कुछ नया माल या एंटीक्स वगैरह स्मगल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर बाजू का स्मगलर्स की जानिब से चीज़ों को छुपाने की ऐसी ऐसी तरकीब इस्तेमाल की जाती हैं कि हर कोई परेशान हो जाता है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाते हैं। नंबर एक, बेकरी आइटम्स। इंटरनेशनल रूट्स पर सफर करते हुए एक अडल्ट पैसेंजर अपने साथ $10,000 यानी 16 लाख रुपयों के साथ सफर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर ले जाएगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जिमरे में आएगा, जो कि एक संगीन जुर्म है, मगर फिर भी बहुत से लोग इस जुर्म से बाज नहीं आते। साल 2012 में कस्टम वालों ने एक ऐसा ही केस पकड़ा जिसमें एक शख्स बेकरी से भरा सामान लेकर कस्टम से गुजर रहा था। कस्टम वाले भी बेहद हैरान थे कि इसके बैग में इतने केक्स क्यों भरे हैं। शक होने पर जब कस्टम वालों ने चेक किया तो पता चला कि हर केक में नोटों के छोटे छोटे रोल्स हैं। इस स्मगलर ने उन नोटों को छोटे छोटे केक्स में रोल करके बेक किया हुआ था, जिसके बाद कस्टम वालों ने इस चालाक स्मगलर को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। नंबर दो, वाइफ इन सूटकेस। सफर में सूटकेस तो सभी के पास होते हैं। साल 2015 का यह वाकया, जब एक फ्रांसीसी शख्स वापस अपने मुल्क लौट रहा था तो उसके पास एक मशकूक सा बड़ा सूटकेस था। जब शक होने पर उसका सूटकेस ओपन किया गया तो उसमें शख्स की रशियन वाइफ भी थी, जिसे वो गैर कानूनी तौर पर अपने साथ फ्रांस ले जाना चाहता था। उस लड़की के पास शायद कोई पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसके हस्बैंड ने यह प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के इसे फ्रांस ले जाया जा सके। नंबर तीन, मैन इन बेड। आजकल के दौर में चीज़ों के साथ साथ जिंदा इंसानों की भी स्मगलिंग की जा रही है। मोरक्को में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जब वहाँ की पुलिस ने सिंगल बेड के दो गद्दों की जाँच पड़ताल की तो ऐसा इंकशाफ हुआ कि सभी हक्के बक्के रह गए। इन दोनों बेड्स के अंदर दो जिंदा इंसान विराजमान थे। ये दोनों लड़के गद्दों में छुपकर बैरून मुल्क जाना चाहते थे। पकड़े जाने पर ये दोनों थोड़े नर्वस जरूर थे, मगर जिस माहौल में लेटकर ये जा रहे थे वो वाकई कंफर्टेबल था। नंबर चार, टाइगर कब। जानवरों की स्मगलिंग अजलों से ही होती रही है, मगर यह किस्सा जो साल 2010 में पेश आया दीगर किस्सों से यकसर मुख्तलिफ था। एक लड़की बैंकॉक से ईरान जा रही थी। ये जहाज़ में बोर्डिंग करने ही वाली थी कि इसका बैग इसके लिए मुसीबत का बायस बन गया। दरअसल इसका बैग एक अजीब तरीके से हिल रहा था। कस्टम वालों को इस पर शक हुआ तो फौरन इसके बैग की स्कैनिंग की गई, जिसके बाद जो इंकशाफ हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। इसके बैग के अंदर एक टाइगर का महज 2 माह का बच्चा था। उसके बाद इस नौजवान लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लड़की इस टाइगर कब को स्मगल करके ईरान ले जाना चाहती थी, क्योंकि ईरान में टाइगर्स के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। नंबर पाँच, स्नैक इन पैंट्स। ये वाकया जर्मनी के एक एयरपोर्ट का है, जब कस्टम वालों ने एक 40 साल मशकूक शख्स पर ऑब्जर्वेशन तेज़ की। ये शख्स बहुत ही बेचैन सा दिखाई दे रहा था और उसकी हरकत भी बहुत मशकूक थी। जब उस शख्स को कस्टम पुलिस ने अंडर इन्वेस्टिगेट करते हुए उसकी तलाशी ली तो पता चला कि उसकी पैंट के अंदर कोई ज़िंदा चीज़ है। कपड़े उतारने पर इंकशाफ हुआ कि उस भले मांस ने अपने पेट पर सांप बांधकर उसे अपनी पैंट के अंदर लटकाया हुआ था। यह सांप किसी कीमती और नायाब किस्म से ताल्लुक़ रखता था। ये भाई साहब स्मगल करने ही वाले थे, मगर ये बेचारा उस सांप के हलचल में जाने की वजह से ही गिरफ्तार हो गया। नंबर छः, स्मगलिंग इन पीनट्स। हाल ही में इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर एक मशकूक मुसाफिर को पके हुए गोश्त के टुकड़ों, मूंगफली और बिस्किट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल इन गोश्त के टुकड़ों, मूंगफली और बिस्किट्स के अंदर 45 लाख रुपयों की गैर कानूनी स्मगलिंग की जा रही थी। स्मगलिंग करने वाले उस शख्स का नाम मुराद अली बताया जाता है। ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से दुबई के लिए रवाना होने ही वाला था। पकड़े जाने पर न सिर्फ कस्टम वाले बल्कि सभी हैरान थे कि इतनी अकल कोई कैसे लगा सकता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया, मगर यह अंदाज़ा नहीं लगाया कि आया ये शख्स अकेला ही था या इसके साथ इस काम में पूरा स्मगलिंग रैकेट भी मौजूद था। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमती वीडियोज लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।